जैसे ही स्कूलों का शैक्षणिक सत्र चालू हुआ, स्कूल वाहनों में स्कूली बच्चों की भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। इसके चलते सनावत थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी व पुलिस स्टाफ के द्वारा स्कूली वाहनों की चेकिंग कर उनके ई गवर्नेंस, फिटनेस, GPRS सिस्टम चेक किए। साथ ही स्कूली वाहनों के ड्राइवरों को सावधानी पूर्वक वाहन चलाने व यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो नए शैक्षणिक सत्र में जो स्कूलों में लोग अनावश्यक बच्चों को ज़्यादा भर के ले जाते हैं या सुरक्षा के पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, फायर इंस्टिगेटर नहीं है उसके पास में, और लाइसेंस प्रॉपर है कि नहीं है, स्पीड तेज़ तो नहीं चल रही है, स्पीड गवर्नर है कि नहीं, उसको लेकर पूरे ज़िले में लगातार ये चेकिंग की जा रही है कि वाहन की फिटनेस है कि नहीं, जिससे कि कभी कोई दुर्घटना घटित ना हो और ड्राइवर को भी ये लगे कि पुलिस हमारी चेकिंग कर रही है और बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं, जिससे कि हमारा जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, वो सुरक्षित रहें, सुरक्षित घर से निकलें, सुरक्षित वापस पहुँचें और कोई भी दुर्घटना की संभावना भी ना हो, इसको लेके चेकिंग चल रही है और पूरे महीने चलेगी है और उसके बाद भी लगातार चेकिंग जारी रहेगी। सभी के पेपर, लाइसेंस, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन, सभी कुछ उनका एकत्र किया जा रहा है, सबकी ID, जिससे कि बच्चे सुरक्षित रहें, सुरक्षित पहुँचें और उनकी पढ़ाई निरंतर अबाध रूप से जारी रहे। कोई कार्रवाई की गई है सर किसी वाहनों पर? अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर जो भी कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से चालानी कार्रवाई की जाएगी। सनावत से नलेश मलाकर की रिपोर्ट।